लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बीजेपी के मार्च में कुछ लोगों ने गुजरात से जोड़कर नारेबाजी की। यह मार्च कोझिकोड में 13 जनवरी को निकाला गया था। केरल में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी के मार्च में सांप्रदायिक नारे लगाए गए। कोझिकोड के कुट्टियाड़ी में सीएए के समर्थन में जनसभा करने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला था। इसी मार्च में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। मार्च के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर DYFI के एक कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर एक केस दायर किया गया है। मार्च में जिन लोगों ने हिस्सा लिया और जिन लोगों ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।